209 बेलर की जब जांच हुई तो केवल 58 बेलर किसानों के पास पाए गए, शेष बेलर इन्होंने केवल कागजों में दिखाए गए। कृषि यंत्र घोटाले में FIR दर्ज, ठेले खोमचे वालों को किसान बनाकर कागजों में मुहैया करा दिए गए बेलर्स। कृषि विभाग में तैनात एक कर्मचारी समेत कृषि यंत्र वितरक 4 फर्मों पर दर्ज कराई गई FIR। कंपनियों ने 209 बैलर्स की सप्लाई किसानों को दर्शाई, जबकि महज 59 किसानों के पास बैलर्स पहुंचे। कृषि यंत्रीकरण स्कीम की आड़ में की गई करोड़ों रुपए का करप्शन, करोड़ों रुपए की सब्सिडी डकार गए कृषि उपकरण वितरक फर्म और कृषि विभाग के अधिकारी। डिबाई और खुर्जा की 4 फर्मों को दी गई थी कृषि यंत्रीकरण स्कीम के तहत बैलर्स वितरण की जिम्मेदारी। बुलंदशहर सिटी कोतवाली में धोखाधड़ी और दस्तावेजों में गड़बड़ी की धाराओं में दर्ज की गई FIR। बुलंदशहर से साजिद कुरैशी की रिपोर्ट। ये लगभग कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, कितने किसान इफेक्टेड हैं? देखिए, बेलर का घोटाला जो बेलर से संबंधित आप यदि पूछोगे तो ये 209 बेलर थे और 209 बेलर में इन्होंने जो कॉस्ट रखी थी उसकी करीब 11.5 लाख रुपए एक बेलर की कॉस्ट रखी थी और 209 बेलर की जब जांच हुई तो केवल 58 बेलर किसानों के पास पाए गए, शेष बेलर इन्होंने केवल कागजों में दिखाए गए। 58 में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कई किसानों को व्यापारियों ने लालच दिया कि आपके यहाँ बेलर रात को खड़ा कर जा रहे हैं, सुबह टीम आएगी, आप ये बता देना कि ये बेलर हमने लिया है, जबकि उन किसानों ने वो बेलर नहीं लिए थे। तो ये सब कागजों में ही उन लोगों ने दिखा दिए थे। बाकी जो शेष बेलर थे वो अनुपस्थित मिले, वो गांव में नहीं मिले, किसान के पास नहीं मिले। तो इतना बड़ा घोटाला तो ये बेलर का ही है, लेकिन यदि सारे कृषि उपकरण घोटाले को मैं जोड़ लूँ तो ये 220 करोड़ का घोटाला है, 220 करोड़ का जो इन व्यापारियों ने किया। बेलर के घोटाले को कितने करोड़ का मानते? बेलर का घोटाला आप 209 और 58 केवल मिले हैं, 58 के बाद जो शेष बचे हैं उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 11 से 11.5 से, तो ये इतना बड़ा घोटाला ये बेलर का है। अच्छा, और किस तरह की मांग आप आगे? नहीं, हमारी ये मांग है कि एक तो ये किसान से जो रिकवरी के लिए कहा गया है वो रिकवरी किसान से न की जाए, और उसमें कई अधिकारियों को, जैसे मैंने अभी बताया कि धनंजय सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया गया है, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भी इसमें लिया जाए। और यदि ये यहाँ से संभव पहले भी नहीं था, आगे भी मुझे ये लग रहा है कि फिर हमें लोकायुक्त की शरण में जाना पड़ेगा लखनऊ, और वहाँ से ही ये संभव होगा। अरे, जिन लोगों को बेलर दिया गया था उन पात्रता की शर्तें क्या थी? बेलर में पात्रता की शर्तें ये थी कि जो किसान ट्रैक्टर ले रहा है उसको एक बेलर देंगे, उस पर 80% सब्सिडी देंगे और ट्रैक्टर पे हम 40% सब्सिडी देंगे, ये पात्रता थी। लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को भी बेलर प्रोवाइड करा दिए गए जिनके नाम पे 1 इंच जमीन नहीं थी, 1 इंच जमीन नहीं थी, जो डिबाई में केले का ठेला लगा रहे थे, जूस का ठेला लगा रहे थे, उनपे केवल जो अपना 35 वर्ग गज में मकान है उसके अलावा कोई जमीन नहीं थी, उनकी 15-15 बीघे की खतौनी बनवा दी गई इन भ्रष्ट व्यापारियों और अधिकारियों के द्वारा, और उनको जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि भी उनके खाते में आई 6-6 महीने, 6-6 बार, 6-6 महीने नहीं, 6 महीने में तो आती है, 6-6 बार सम्मान निधि भी आ गई उनके खाते में। जबकि आज भी ऐसे किसान तमाम हैं, जब से ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों को देना शुरू हुई है आज तक काफ़ी किसानों के खाते में नहीं आई है, जबकि उन पर जमीन है, उन पर खतौनी है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो कृषि विभाग के अलावा जो और विभाग आते हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं, जैसे बैंक कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं और जो तहसील स्तर के कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं। जब किसान सम्मान निधि आती है तो उसमें लंबा प्रोसीजर होता है, अब तो केवल कृषि विभाग का कर दिया है, लेकिन जब ये शुरू में हुआ था उस समय एक लेखपाल गांव में आता था, खतौनी देखता था, खतौनी की कॉपी लेता था और प्रधान भी साथ में बैठते थे, प्रधानों के साथ बैठ के उसकी लिस्ट तैयार कराई जाती थी, प्रधान जी भी मोहर लगाते थे और उसके बाद उसमें लेखपाल की रिपोर्ट लगती थी, फिर कानूनगो की रिपोर्ट लगती थी, फिर नायब तहसीलदार की लगती थी, फिर तहसीलदार की लगती थी, तब कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा उसको चढ़ाया जाता था, तब सम्मान निधि मिलती थी। किस तरह के आरोप हैं, किस पे आरोप हैं, और क्योंकि आप इसमें शुरू से लगे हुए थे
क्या आपके पास दस्तावेज? देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ और मैं इसमें अगस्त 2022 से लगा हुआ हूँ। अगस्त 2022 में हमने इसमें ज्ञापन देना शुरू किया और तब से लेके आज ये कार्रवाई हुई है। हालांकि हमने शासन प्रशासन से ये मांग की थी कि केवल बेलर नहीं, इसमें तमाम जो कृषि उपकरण हैं जिन पे किसी, जैसे ट्रैक्टर था तो उस समय ट्रैक्टर पे 40% सब्सिडी मिल रही थी, रूटावेटर था, कल्टीवेटर था, सीड मशीन थी, कंबाइन मशीन थी, कंबाइन मशीन पे 60% सब्सिडी थी जिसकी कॉस्ट कंबाइन मशीन की 30 लाख है और 60% सब्सिडी यानी आधे से भी कम में वो मशीन दी जा रही थी। लेकिन केवल और केवल बेलर की जांच इनके द्वारा की गई है और बेलर की जांच भी ये आधी अधूरी है। जो FIR हुई है इसमें कई अधिकारी इन्होंने अभी भी बचाने की कोशिश की है, जैसे एक अधिकारी हैं उप कृषि निदेशक धनंजय सिंह वो अधिकारी हैं जो इसमें पूरे प्रकरण में संलिप्त हैं और उन्होंने जो है मुझे खरीदने की कोशिश की और जब मैं नहीं बिका तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दिलवाई गुंडों से, जिसकी FIR दर्ज हुई, चार्जशीट लगी और गुंडा एक्ट में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है उसमें। तो बेलर पे ही आ रहा हूँ, ये मेन तो बेलर ही है। बाकी बेलर के अलावा मैं ये बता रहा हूँ कि कृषि विभाग बेलर के अलावा तमाम जितने कृषि उपकरण थे उन पे तमाम पे घोटाला हुआ है। तो बेलर पे जो घोटाला ये हुआ है इसमें आधी अधूरी FIR हुई है अभी और इन्होंने जो कहा है कि इनमें किसानों से जो रिकवरी के लिए कहा गया है FIR में, ये बिल्कुल निराधार है, निराधार गलत है। क्योंकि जिन किसानों के खाते में पैसा 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए गया और उसके बाद वो व्यापारी के खाते में पैसा चला गया, तो उन किसानों से रिकवरी नहीं होनी चाहिए, ये रिकवरी व्यापारियों से ही होनी चाहिए, अधिकारियों से होनी चाहिए।